गुड मॉर्निंग स्टिल नाउ वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर व्हाट इज फैमिली. फैमिली क्या है, हाउ मेनी काइंड ऑफ फैमिली, फैमिली के क्या प्रकार है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर मीन्स स्मॉल फैमिली कह सकते हैं, इन विच फादर मदर एंड देयर सन लिव टुगेदर. एंड ज्वाइंट फैमिली, जैसे कि नाम है ज्वाइंट फैमिली, बहुत बड़ा परिवार. ज्वाइंट फैमिली में मदर फादर एंड द चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर अंकल्स, एल्डर आंट्स, अंकल्स आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, ज्वाइंट फैमिली. बट एट प्रेजेंट वी हैव बीन सीइंग इन अवर सोसाइटी जॉइंट फैमिली इज डिवाइडिंग इन टू न्यूक्लियर फैमिली, कि जो संयुक्त परिवार है वो बट करके न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो रहे हैं. और उनके पीछे देर आर सो मेनी रीजन्स, बहुत से कारण हैं. जो हमने पहले बात की थी उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो रहने का निवास स्थान है यानी अकोमोडेशन, उसकी शॉर्टेज है, जो मैंने बताया था आपको पहले. फिर हो सकता है कि घर के सदस्यों का जॉब के लिए कहीं बाहर चले गए, या बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए. इसके अलावा घर के जो लोग हैं उनके बिहेवियर, उनकी हैबिट हो भी सकती है. तो ये हमने पहले बात की थी. आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया वर्ड जोड़ रहे हैं और सीख रहे हैं उसके बारे में, वो है एडॉप्शन. एडॉप्शन सब बना एडॉप्ट करना, गोद लेना. क्या अर्थ है इसका, गोद लेना. शायद आपने सब सुना होगा अपने भाषा में तो, कि उन्होंने किसी लड़के को किसी लड़की को गोद लिया है. कई बार ये होता है कि हमारे ताऊ जी है या अंकल है या हमारा कोई रिलेटिव है, उनके बच्चा नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, किसी लड़के को या किसी लड़की को गोद लेते हैं कि आज से हमारा बेटा है, इसका सारी जो होगी लुकिंग आफ्टर, उसकी देखभाल करना, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश, जो भी वह हम करेंगे, और ये हमारा बेटा या बेटी हो जाएगी, उसका नाम है एडॉप्शन, गोद लेना. और उसको जो भाषा में कहते हैं लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी चाइल्ड ऑफ रिलेटिव्स एंड अदर्स इज कॉल्ड एडॉप्शन. शॉर्टकट योग है सब अपने. लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी चाइल्ड ऑफ अवर रिलेटिव और एनी अदर, या किसी और का भी हो सकता है. कई बार जो है लोग, वो बच्चे जो होते हैं ऑर्फन, जो होते हैं अनाथ, उनको भी अपने घर ले आते हैं, तो उनको कहते हैं कि आज से बच्चा हमारा है, और उसका लीगल प्रोटेक्शन कर गया है कि अब हमारे बाद ये हमारा होगा उत्तराधिकारी, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो भी कारोबार है, इस सब का मालिक ये होगा, वो भी हमारे फैमिली का अब मेंबर हो जाता है. ये सब और इसमें जुड़ जाता है. अब चैप्टर को धीरे आगे बढ़ा रहे हैं. अब आता कई बार ये होता है, सब होता है, कि हम कहीं बाहर जाते हैं, छोटा भाई है अपने साथ में, छोटी बहन है, और हमारा कोई रिलेटिव मिलने वाला उसको बच्चे को देखता है और कहता है कि इसकी जो आँख है वो इसकी मम्मी से मिलती है, इसकी जो नाक है वो उसके दादी से मिलती है, इसका जो चेहरा है वो पापा से मिलता है, ये है क्या. अब आना सब आता है ये है क्या. और इसके लिए मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, एक टेबल जो आप देखें,
और मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूं, उसके उत्तर आपको सोचना है और मुझे बताना है। फिजिकल करेक्टर्स, क्या सब उसको देखते हैं अपन, फिजिकल करेक्टर्स और रिजेम्बलेंस। शब्द क्या है? रिजेम्बलेंस। अब याद रखें, हु रिजेम्बल्स विद हुम, फिर उसको और आगे बात करेंगे। हु रिजेम्बल्स विद हुम, कौन किससे मिलता है। अब यहां पर मैंने एक दिया फिजिकल करेक्टर, नाम क्या दिया है, फिजिकल करेक्टर्स, यानी शारीरिक बॉडी, विशेषकर फेस, आईज, नोज, फेस, ईयर, के बाद चिन भी होती है, के बाद कॉम्प्लेक्शन, हमारा शरीर का जो रंग होता है वो भी हो सकता है। तो वो पूछ रहा है किससे क्या मिलता है। अब आपको देखना है कि आपकी छोटे भाई की या आपकी आँख किससे रिजेम्बलेंस है, आपकी जो नोज है वो किससे रिजेम्बलेंस है, या आपकी जो ठुड्डी है या फेस का जो बनावट है वो किससे रिजेम्बलेंस है। तो हमें वो किसी न किसी हमारे परिवार के सदस्य से मिलेगी, मम्मी से, पापा से, चाचा से, चाची से, मासी से, मामा से, होगा कोई अपना ही सदस्य है, वो चाहे हो हमारे परिवार जो साइड कौन सी है पैटर्नल, वो चाहे हो मैटर्नल, किसी एक से होगी, मामा, मासी, नाना, नानी, चाचा, चाची, चाची नहीं, चाचा होगा, बड़े पापा। तो वो सब कुछ निर्भर करता है रिजेम्बलेंस विद हुम, ये आपको पूछना है। अब बात आता है कि ये हुआ क्यों, क्या कहते हैं उसको, ये हुआ कौन, फिजिकल करेक्टर्स क्यों मिली, क्या शब्द इसको, फिजिकल करेक्टर्स। ये फिजिकल करेक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, अब उसको हमें समझना है। फिजिकल करेक्टर्स, ये जो हमने अंग लिए, आई, नोज, ईयर, चिन, फेस, कॉम्प्लेक्शन, वो सब इसी मारते हैं, ये किसी न किसी हमारे परिवार के मेंबर से मिलते हैं, हुआ क्यों। तो इसके लिए जो एक वर्ड आता है अपने विज्ञान में जो आगे पढ़ेंगे, उसे कहते हैं हेरिडिटी। क्या देना है उसको, हेरिडिटरी, सब बनाया हेरिडिटी से, एच ई आर ई डी आई टी ए आर वाई, इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी, हेरिडिटरी इनहेरिटेंस सब देखना है, या हेरिडिटरी करेक्टर्स, कोई हो सकता है, सब दोनों का एक ही है, हेरिडिटी कह दो या कह दो इनहेरिटेंस, ये दोनों अलग वर्ड है। इसका अर्थ भी वंशानुगत है, इसका अर्थ भी वंशानुगत है। अब बात आती है कि हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारे जो शरीर के बॉडी के पार्ट जो थे फिजिकल कैरेक्टर, वो हेरिडिटरी है, आई किसे मिला, क्यों हुआ, वो कहते हैं इनहेरिटेंस। अब अपन को बात करनी है इनहेरिटेंस पे, क्या कहेंगे कि हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट हमारे परिवार के सदस्य से मिलता है वो इनहेरिटेंस है, वो हमें मिला है वशित में, यानी कोई भी फिजिकल करेक्टर्स जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिले उसका नाम है इनहेरिटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये दोस्तों कि फिजिकल, मैंने पहला बार कह रहा हूं कि शारीरिक बात होगी, किसकी बात होगी, शारीरिक, करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स यानी
बनावट, गुण जो क्या होते हैं, आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब है वंशानुगत आना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आगे से आगे चलते हैं। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कहते हैं। मैं दे रहा हूं जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप बदल जाते हैं या आगे से आगे आते रहते हैं, उसका नाम है इनहेरिटेंस। अब ये होता क्यों है ऊपर आगे बात करेंगे। कई बार अपन ये भी देखते हैं कि अपने जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, या कोई काम करने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो किसी से मिलता है। तो आप भी देखना कि किसे मिलता है। तो इसके लिए भी दे रहा हूँ टेबल, वो आप देखें बताना मुझको, फिर अपन इस पर बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि हैबिट किसे मिलती है, हैबिट किसे मिलती है, यानी योर हैबिट ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, रिजिलेंस विद द मेंबर ऑफ फैमिली, किस फैमिली से मेंबर से आपके मिलती है, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं, या तो हमारे जो फैमिली मेंबर है उसे मिलेगा, या कई बार हम जिस आदमी से इम्प्रेस्ड है बोलने का तरीका, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, क्योंकि हमने उसकी फिल्म देखी, हम उसके फैन हो गए, या जो चलने का तरीका किसी और को देखा उसे इम्प्रेस हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। अब ये तो कैसे बात करता है कि होगा जनरेशन टू जनरेशन, और जो हैबिट होती है, हैबिट जो रिप्लेस है वो अफेक्टेड है अपने परिवार सदस्य भी और एनवायरमेंट से भी। हैबिट मतलब वे ऑफ टॉकिंग, लिखा हुआ यहां पर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, या लिखा कहता मैनरिज्म। ये कैसे होता है, ये इफेक्टेड है एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से, इफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, यानी हम जहां रह रहे हैं उससे, या हम जिसे इंप्रेस दे, हम जिसे इंप्रेस दे उस आदमी से हमारी हैबिट मिल जाएगी। अब बात आती है कि किसने ये प्रूव किया कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आंख का मिलना, नाक का मिलना, चेहरे का मिलना, ये होता क्यों है, किसने इसका प्रूव किया कि ऐसा हो रहा है, ये विज्ञान की बात थी। तो पहले इसको आप एक बार इसकी शॉर्ट लें जिसको लिखना भी है, और ब्रीफ भी समझ लें कि आज का जो था वर्ड एडॉप्शन, ये हमारे वो परिवार सदस्य है जो हमारा नहीं था, हमने उसको गोद लिया है, वो माता पिता जिसके बच्चे नहीं थे उसने गोद लिया, अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा, या लाए अनाथ आश्रम से उसको अपना बच्चा बना लिया है। फिर बात आई कि हमारा जो चेहरे की बनावट है उसके बॉडी पार्ट किससे से किसी से रिजेम्बलेंस है, मिलते हैं, और उस मिलने को कहते हैं फिजिकल करेक्टर्स, उसका नाम दिया इनहेरिटेंस। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, किसी की आंख मिलेगी, किसी का कान, किसी का चेहरा, किसी का कलर का रंग, वो भी सकता है, कई बार हैबिट ही मिलती है। हैबिट तो जो मिलेगी वो होगी हम जिसे इंप्रेस्ड है, या हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं हम उसको देख रहे हैं, वो हो गया। लेकिन जो हेरिडिटी है, जो इनहेरिटेंस है, वो वंशानुगत है, जेनेटिक्स है, जीन्स पे आधारित है। ये किसने प्रूव किया, हम अब उसे बात करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप कर।
अब अपन बात करते हैं कि ये प्रूव किसने किया कि ये इनहेरिटेंस चीज की जो बात आई, जो बात आई तो उसका नाम था ग्रेगर मेंडल। जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इनहेरिटेंस जो सब था इनहेरिटेंस वंशानुगत जो फिजिकल करेक्टर उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, इस बात को विज्ञान के द्वारा जो पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर ग्रेगर जॉन ग्रेगर मेंडल ने सिद्ध किया। उसने क्या किया, तीन बात रखनी है कि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। दिस पर्सन डिड ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। तो पहली बात क्या होगी कि एक्सपेरिमेंट किए, किस पे किए, पी प्लांट पे, ये पहली बात। पी प्लांट मतलब मटर के पौधे। मटर का पौधा लिया, कुछ छोटे कुछ बड़े उनके बीजों को मिलाया, तो नेक्स्ट पीढ़ी आई जब वापस उगे तो उसमें कुछ छोटे कुछ बड़े थे। फिर किसी के लिए 25%, फिर लिए 50%, फिर मिला तो कुछ और बड़े छोटे हो गए। तो इस प्रकार सिद्ध किया कि कोई भी चीज़ जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे चलती है। ये पहली बात ही किस पे किया, पी प्लांट पे। और उस आधार पर उसने कुछ नियम बनाए, उसे कहते हैं फॉर्मुलेशन करना, नियम बनाना, और उस नियम को नाम दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये इसने सिद्धांत दिया। क्या दिया, सिद्धांत, से कहते हैं फॉर्मुलेशन। क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन, या कहें हिंदी में सिद्धांत। और इसीलिए जब इसने सब बातें सिद्ध कर दी कि हमारे जो शरीर के लक्षण है, जो बॉडी के पार्ट है, किसी से मिलते हैं, टू किया, तो इसलिए इस आदमी का नाम पड़ गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम पड़ गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोले जीन्स से, कि जीन्स जो है वो आगे से आगे बढ़ते हैं। आप भी समझ लें, जैसे कोई बीज लिया, हाँ पौधा लगाया, किसका, आम का, तो उस फल पे आम ही आने सेव नहीं आएगा, अच्छा क्या नहीं ना, कोई बात यहाँ पर भी है। तो हमारे जो जीन्स है तो उसमें कुछ अंश मिलेंगे, पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ अंश जरूर मिलेंगे, उनके व्यवहार मिलेगा, उसकी बातें मिलेगी, सब कुछ होगा। तो ये था कौन, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसने बातें सिद्ध की किसके आधार पर, पी प्लांट के आधार पर। फिर इसी बात को किसी ने आगे बढ़ाया, एक पिक्चर और देखें और समझें। ये शख्स है हर गोविंद खुराना, फील्ड वही था इनहेरिटेंस का था। उसने तो की एक्सपेरिमेंट, इसने बहुत सारे पेपर रिसर्च किए, उस पर कुछ लिखा, उसने एक्सपेरिमेंट किए, बातें लिखी। इसने भी आगे बढ़कर के क्या किया कि इनहेरिटेंस में न्यू क्राइटेरिया जुड़ जाते हैं, किस प्रकार वो डिटरमिनेंट होते हैं वो सिद्ध किया। तो ये जो आदमी, इसका नाम है हर गोविंद खुराना। क्या नाम है, और इसके बारे में क्या जानना हमने, कि मेन बात, किसने बहुत सारे पेपर रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद
यानी किया अनुसंधान, खोजे की और उस पर एक किताब, एक वॉल्यूम निकाला कि किस प्रकार एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ता है, और सिद्ध किया कि डेटमिशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियोटिड्स डेटर्मिनेशन यानी निर्धारित करना किसी चीज को वही बात किसकी है इनहेरिटेंस की है कि इनहेरिटेंस किस प्रकार निर्धारित होता है इसने पूरा रिसर्च करके बताया ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नई नई बातें ये चीज भी किसने गोविंद खुराना ने और इस काम के लिए उसको सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला क्या मिला नोबेल प्राइज ये भी आपको ध्यान रखना है एक तो बात ये दूसरी बात उसको नोबेल प्राइज प्राप्त तो सबसे बड़ा प्राइज तो गया था नोबेल प्राइज तो ये चीजें हमें देखते हैं तो अपना चैप्टर जो बढ़ा आगे इस प्रकार से आज ये खत्म हो रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लास्ट जो पार्ट होगा उसमें हमने अभी तक जो सीखा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझेंगे कि हमारे चैप्टर उसी ढंग से सीखा या नहीं सीखा है तो ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ये भी आप लिखें समझें और देखें और ये जो मैं हटा रहा हूँ इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि ताकि लिखने में सुविधा रहे आपको और अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज इतना ही थैंक यू धन्यवाद।